हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बनिता दीप्ति एक्सप्लोर्स, जोठी आपण माने पांती केवल एजुकेशनल वीडियो। आज आम मातृभाषा दिवस भाषण विषय जानिबा, समय नष्ट न करी वीडियोटी स्टार्ट करुछी। कथारे अच्छी, मातृभूमि मातृभाषा रे ममता जाहृदे जन्मी नाही, ताकू जदि ज्ञानी गणरे गणिबा अज्ञानी रहिबे काही। अर्थात निज मातृभाषा को सम्मान दे जानि नथिबा व्यक्ति थारु संसार रे केही बड़ मूर्ख नाही। व्यक्ति को परिवार परिचय दे थाए, हेले मातृभाषा समाज रे मनीष को उच्च स्तर को नेबा सह दे थाए सम्मान आउ समृद्धि। आजिका दिन रे मातृभाषा प्रति लोकों आदर कमी आसुथिबा परिलक्षित हेउछि, जहाकु नै सम्मान तथा व्यवहार को दृष्टि रे रखि प्रतिवर्ष फेब्रुआरी 21 तारीख रे पालन हेउछि विश्व मातृभाषा दिवस। 2000 मसीहा फेब्रुआरी परठारु प्रतिवर्ष भाषागत और चलनीगत विभिन्नता प्रचार निमन्ते फेब्रुआरी 21 तारीख विश्व मातृभाषा दिवस रूपे पालन होइयसुछि। यूनेस्को द्वारा 1999 मसीहा नवेम्बर 17 रे आरंभ होइथिबा बेले 2008 मसीहा रे चलित जातिसंघ साधारण सभा रे एहा गृहीत होइथिला। समयर चक तले विश्वर केते भाषा आज विलुप्त होइ जाइथिबा बेले अनेक भाषा एबे भी निजर अस्तित्व बंचाइबा पई संघर्ष करुछंती। इतिहास साक्षी अछि, जेऊ भाषा जेते शक्तिशाली से देश उन्नति पथरे आगकु अग्रसर होइपारिछि। एथिरु अनुमय करा जाए जेऊ राष्ट्र गठन ठारु आरंभ करी राष्ट्र कल्याण राष्ट्रर उन्नति दिगरे भाषार मूल्य केते गुरुत्वपूर्ण। तेबे आम मातृभाषा को अनुशीलन कले आज भी सरकारी स्तर रे उदासीनता जोगु ओडिया भाषा अवहेलित होई रहिथिबा भली मने हेउछि। ओडिया भाषा को शास्त्रीय मान्यता मिलिछि सत, हेले आज पर्यंत कोर्ट कचेरी सरकारी दफ्तर रे ओडिया भाषा उपयुक्त स्थान पाईपारी नाही। 2016 मसीहारु समस्त सरकारी ऑफिस रे ओडिया भाषा रे काम हेबो बोली सरकारी निर्देश देइथिले मध्य आज पर्यंत एहा संपूर्ण कार्यकारी होइपारु नाही। आज भी अनेक सरकारी ऑफिस दुकान बजार रे इंग्रजी भाषार फलक झुलुथिबा देखिबाकु मिलुछि। सरकारी स्तर रे ओडिया भाषार व्यापक व्यवहार पई योजना केवल योजना रे रही जाउछि, तेबे आम भाषा को आहुरी सशक्त मजबूत करिबाकु हेले आजिका दिन रे सरकारी स्तर रे आंतरिकता लोडाथिबा बेले जनसाधारण को मध्य निज मातृभाषा को नै सचेतन हेबार आवश्यकता रहिछि। स्वाधीनता प्राप्ति परे प्रत्येक भारतीय भावुथिले वर्तमान आमको विदेशी भाषारु मुक्ति मिलिबो, मातृभाषा माध्यमरे आम निजको प्रकाश करिबा। मातृभाषा को शासनर माध्यम कले शासक और शासितक मध्यरे व्यवधान दूर हेब, फळरे उभयंक मध्यरे बुझामणा भावर आदान प्रदान द्वारा शासन कार्यर सफल रूपायन हेब। आजिर विज्ञापन नूतन कर्मसंजोग जुगरे विभिन्न फळक प्रचारपत्र मातृभाषा रे लेखा हेले साधारण जनता सरकारक योजना विषय रे जानी उपकृत होई परंती। शिशुर नामकरण विवाह व्रत आदि रे निमंत्रण पत्र तथा कार्यालय रे कार्य को मातृभाषा रे संपादन करबाकु हेबो। मातृभाषा प्रति आमे प्रयत्नशील होई आम भाषा को प्रगति पथरे आगेई नेले दिने ना दिने आम मातृभाषा एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि करिवो, जहाँ कि आम पई गर्व और गौरवर विषय हेबो। माँ क्षीर परी मूल्यवान मातृभाषा अन्न वस्त्र परी मानवर प्रथम प्रयोजन, कारण मातृभाषा रे मानव को जो आनंद मिले सहज और स्वाभाविक भाव जेपरी से निजक प्रकाश करे अन्य कौनसी द्वितीय भाषा रे सेपरी हुए नहीं। किंतु आज विदेशी भाषार प्रभाव रे आम मातृभाषा अवहेलित होबा सह ज्ञान भंडारटा इंग्रजी रे थिबारु कोटि कोटि लोक आखि थाउ थाउ अंधभळी होइचंती। तेणु मातृभाषार सुरक्षा निमन्ते इंग्राजीर आधिपत्य ह्रास करिबाकु पडिबो। मातृभाषा रे उन्नति पई अन्य भाषा विरोध रे स्वर उत्तोलन करिबा सह विद्यालय रे मातृभाषा रे शिक्षा देबाकु पडिबो। अल्प समय तथा अल्प परिश्रम रे मातृभाषा रे ही सामूहिक शिक्षा संभव, तेणु प्रत्येक नागरिक मातृभाषा रे शिक्षा लाभ करि निज अधिकार संपर्क रे अवगत हेले हे गणतंत्र सफल होई परिबो। आशा करूछि पिला माने वीडियो टी तुम मानक पई हेल्पफुल हबो। तुम्हें एथिरे आरंभ रे
भाषण हेडिंग जमीक सम्मानीय सभापति एमती हेडिंग देक कह शेष मुकी मोर वक्तव्य शेष करुच्ची जय हिंद एति कहले गोटे भाषण हिसाब से व्यवहार हो पार आशा करुच्ची पिलाने भिडटी तुम मैं हेल्पफुल हम भल लगे लाइक कर कमेंट कर सेयार कर चैनल नुआ थे यह निश्चय सब्सक्राइब कर बेल बटन को प्रेस कर। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड। कीप वाचिंग।